बस ठीक है, इधर ही फिक्स कर दें इसका। ठीक है ना जी। दोस्तों रात को जो काम करके गए थे भाई, काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ था। अभी ये हमारा फ्रेम तैयार हो गया, इसको साइड पे रखेंगे फिल वक्त। ये नीचे वाला फ्रेम है मेन दरवाज़ा जहाँ पे, और इसके पीछे जो आपको नज़र आ रहा है वो ऊपर वाला फ्रेम है। इनको साइड पे रख के सारे छत की सफाई करके फिर मुर्गों को खोलेंगे, चूज़ों को खोलेंगे। ये चेक करें, ये ऊपर वाला फ्रेम है, उनको रख दिया साइड पे। अब ये जाली रख दी है साइड में, जाली इतनी बारीक है कि ज़ख्मी कर सकती है किसी को भी आराम से। अस्सलामुअलैकुम जी। जैसा कि आप दोस्तों ने वीडियो के शुरू में देख लिया कि हमारे केजेस का काम शुरू हो चुका हुआ है, और ये देखें तीन फ्रेम इस टाइम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये अंदर वाले मास्टर केज के फ्रेम है दो, पीछे वाला जो है मेन दरवाजे वाला, और ये जो पीस आगे पड़ा हुआ है ये ऊपर वाला। उसके अलावा ये चेक करें, ये हमारा रेडी हो चुका हुआ है, और अपने पिजन्स मैंने अंदर छोड़ दिए हैं माशाल्लाह से। ये चेक करें दोस्तों, यहाँ पे सारे अपने जितने भी हैं उड़ने वाले वो सारे इस रैक में छोड़ दिए मैंने। और आज इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर की तो 9 बजे भाई आएंगे, ये जो पीस रह गए हैं इनके ऊपर जालियाँ लग के, दरवाजे लग के, ये कंप्लीट हो जाएंगे। और ये फिलहाल जो ये जगह खाली आपको नज़र आ रही है, ये इस जगह पे लगेंगे दो फ्रेम। अभी आपको नहीं समझ में आएगी किस तरह लगेंगे, लेकिन जब लगेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि यार ये चीज़ मैंने सोची हुई थी। जाली अभी हमारे पास काफ़ी पड़ी हुई है, पूरा बंडल लेके आए थे भाई, और ये गोले वगैरह मैं हल और लेके आएंगे अभी। तो आज की रूटीन का आगाज़ करते हैं दोस्तों। चूज़े काफ़ी शोर कर रहे थे, तो मैंने इनको टालने के लिए थोड़ा सा दाना अंदर ही डाल दिया। अभी इनको खोलते हैं, और उसके अलावा आपको अपने फैंसी पिजन दिखाते हैं। थोड़ी बहुत मैंने कमरे की सफाई की थी, रगड़ाई नहीं की अभी तक। ये चेक करें दोस्तों, अंदर कमरे में सारे फैंसी हैं फिल वक्त। और ये देखें, इनको इतना प्यार हो गया इस जगह से, हालांकि केज खुला हुआ भी है, बाहर नहीं निकले ये। सबसे पहले दोस्तों, बल्कि ये अंदर रखते हैं, चलें दोस्तों ये फ्रेम अंदर रखते हैं। इसको दरवाजे को पकड़ के रखो, उड़ जाएंगे, इसको पकड़ के रखो। तो दोस्तों मेरा पार्टनर अभी छोटा है, इसको इतनी समझ नहीं है, ये बस कबूतरों के चक्कर में रहते, कबूतर पकड़ लूं किसी तरीके से। मुझे तो आने दें आराम से, नीचे किले हैं। छोड़ दे ये जी, दरवाजा करके बंद। इब्राहिम इनका दाना किधर है? हाँ खत्म हुई भी है। इनका दाना किधर है, खत्म हो गया? दाना किधर है? खत्म हो गया दाना। दोस्तों इनका दाना भी खत्म है। सबसे पहले इनका दाना लेके आते हैं, उसके बाद इनको खोलते हैं, और उससे पहले छत की सफाई करेंगे, कीले गुले ये इनको लगे ना। चल भाई दाना लेने चले इब्राहिम साहब, ये मेरा पार्टनर है, चलो। ये तो दोस्तों बाजरा लेके आ चुके हैं, और इन बेचारों को देखें, खैर जाओ। पहले माँ को और बच्चों को खोलते हैं, क्योंकि बड़ा मुर्गा फिर इनको मारता है छोटों को। उधर ओए, ये देखो इसको इतनी भूख लगी है, मेरे हाथों को आके मारना शुरू कर दे। तो मेरे ख्याल से इनको थोड़ा सा भूखा रख के खिलाएं, ताकि इनके अंदर से डर भी खत्म। ओए कीले, वैसे ये मेरे इतने पास कभी भी नहीं आए। उनको अंदर ही डाल दिया थोड़ा सा, तुम ये खा लो जल्दी से। चेक करें दोस्तों, ये मेरा शामू है, इसका नाम शामू रखा हुआ मैंने, ये जो हल्के से कलर का। और ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने पिजन के नीचे अंडा रख के निकलवाया था। वो दोनों इस तरह के पैर
फीमेल अंडा देती नहीं थी अपना, और वो बैठ जाती थी अंडों पे, तो मैंने इसका मुर्गी का नीचे रख दिया था अंडा। अब इनको भी दाना डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा। ज्यादा नहीं, थोड़ा ही डाला। अब दोस्तों इस खुडे के अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है, क्या समा बनाया हुआ इन्होंने। जबरदस्त है जी सारा सीन। चलें जी, इनको मैंने दाना डाल दिया दोस्तों। अब आपने वैसे आप दोस्तों से मुझे एक गिला ये है, कमेंट्स करके कोई मशवरा आप नहीं देते, दो चार बंदे ही एक्टिव हैं जो मशवरा दे देते हैं, उसके अलावा इतने बंदे देख लेते हैं वीडियो लेकिन अपना मशवरा नहीं देते। अब इनको मैंने हिलाना है, ये जो सारे उड़ने वाले हैं, तो मुझे मशवरा दें इनको इस छत का मैं किस तरह आदि करूं कि ये आगे पीछे उड़ के ना जाएं। मेरे ख्याल से जी चूजों का पेट हो चुका है फुल पोटा, सॉरी। अब किंग को खोल लेते हैं जी, हमारा किंग ऑफ किंग। आ जाओ जी, आ जाओ शहजादा, बेटे को भी ले आओ अपने। ये ओ ओ ओ अब ये सारे यहाँ पे इस पे इकट्ठे हुए हैं कि इनको लगी है प्यास। इनको डालते हैं पानी, पहले इनका बर्तन साफ कर दें। पीछे 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 आ जाओ, वो देखेंगे ये बच्चे, साफ पानी पियो। ये चीज वो देखें, सारों प्यास लगी हुई है, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं इसलिए पानी मैं उठा देता हूँ इनके आगे से। वैसे भी जितने भी सीनियर जो दोस्त हैं मेरे, शौकीन हजरात हैं, वो इसी तरह करते हैं, सर्दियों में पानी उठा देते हैं, सारी रात इनके सामने नहीं पड़ा रहता। अब ये चेक करें जी, सारे आ गए हैं नीचे, इन्होंने अपनी अपनी जगह सेट कर ली, लेकिन उस तरफ की जो टोकरियां हैं थोड़ी सी आगे हो चुकी हैं, उनका भी कोई बंदोबस्त करते हैं, किले किले लगा के उनको भी दीवार के साथ फिक्स करते हैं। माशाल्लाह से दोस्तों इन सारों ने खाना, ओए मुर्गी इस बड़े वाले के पीछे ही पड़ी रहती है। अच्छा तो अब थोड़ी देर ये घूमे फिरेंगे, उसके बाद इनको बंद कर दिया जाएगा। और ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह दोस्तों दुआ में याद रखिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और बाकी जब जो केजेस बनेंगे उनकी अपडेट भी दूंगा। ये जो फट्टे ऊपर ला के मैंने रखे हुए हैं, ये फैंसी पिजन्स के लिए केज बनेगा, मुर्गों का अलहदा केज बनेगा, उसके लिए वो सामान लेके आएगा। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।